सफीदों शहर के मेन बाजार और वार्ड नंबर 9 गगड़ा मोहल्ला में एक बड़ी समस्या उभर कर सामने आ रही है, जहां पर गंदगी व कचरे के ढेर लगे हुए नजर आते हैं। जब अर्थ प्रकाश संवाददाता मोहल्ले में आ रही इस समस्या की तह तक पहुंचे, तो वहां के निवासियों ने क्या प्रतिक्रिया दी, चलिए आपको दिखाते हैं। समस्या ये है कि यहाँ पे गोबर पड़ा रहता है गलियों में, कोई सुनवाई नहीं, किसी प्रकार की सुनवाई नहीं। सेवाराम को फ़ोन कर दिया हमने, 10 बार फ़ोन कर दिया, एक बार फ़ोन करो एक बार बंदा भेज देता है, हफ्ते हफ्ते बाद कोई बंदा नहीं आता यहाँ पे, और उनको फ़ोन करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। सेंट्री साहब को हमने कह दिया, विजयपाल सर को कल रात मैंने फ़ोन करके स्पेशल कहा, मैं सर कोई बंदे की ड्यूटी लगा दो यहाँ पे, किसी की कोई ड्यूटी नहीं। प्रशासन इतना सुस्त पड़ा है, इतना सुस्त पड़ा, वार्ड नंबर 9 गगड़ा मोहल्ला मेन बाज़ार, इतना बेकार प्रशासन हो रहा है यहाँ का। वो वैसे तो हो रहा है कि स्वच्छता अभियान कोई किसी कोई स्वच्छता अभियान नहीं यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं। मैंने तो इतना परेशान हो गया, आज ये काम करना पड़ा। सारी जगह कचरा फैला हुआ है, कोई उठाने नहीं आता, कुछ नहीं, मतलब ही नहीं। देखो जगह जगह पे गलियां अंदर भरी पड़ी है कचरे से। कर रहा है वहाँ पे कमेटी में 2-3 बार कंप्लेंट, कोई सुनवाई नहीं। गलियां भी इतनी ब्लॉक रहती हैं, बिल्कुल भी सफाई नहीं होती, किसी भी तरह की सफाई नहीं है, मोहल्ला बहुत गंदा हुआ पड़ा है। अर्थ प्रकाश के लिए सफीदों से अभिषेक दीवान की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।